आज हम ठेकुआ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बिहार की बहुत ही खास डिश है। छठ मैया के पूजा में बनाई जाती है, जिसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। पहले तो देख लेते हैं मैदा। मैदा हमने 1 कटोरी लिया है। मैदा से थोड़ी सी कम सूजी ली है। ये नारियल किसा हुआ और ये थोड़ी सी नारियल हमने काट लिया है। ये शुगर और घी, ये बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक परात ले ली है, इसमें हम डालेंगे अपना मैदा। मैदा से थोड़ी सी कम सूजी ली है, सूजी हमारी महीन वाली है इसलिए ज्यादा सूजी ली है। अगर आपकी थोड़ी दरदरी है तो कम लीजिए। और इसमें डालेंगे मोवन। पहले हम मोवन डालेंगे। घी 2 चम्मच लिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से बराबर से दोनों हाथ से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिल गया है मोवन। ये देखिए ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब हमारा मोवन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से ले सकती है, इसमें हम पीसी शुगर लिए हैं। इसमें थोड़ा कम ही मीठा अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। मैदा की जगह आप आटा भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर हमने बचा ली है कि कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए। ये डालेंगे नारियल किसा हुआ, और ये थोड़ा बारीक काटा हुआ नारियल। ये मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्ट लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है नारियल का। इसमें नारियल इसमें ज़रूर डालिए, बिना नारियल के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ठेकुए। ये हमने थोड़ी इलायची पाउडर भी इसमें मिला लिया है, ऐसे भी बराबर से मिक्स कर लेंगे। और चलिए आटे को लगाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, कड़क ही रखेंगे, क्योंकि शक्कर इसमें डली हुई है तो फिर शक्कर पिघलती है तो वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। और वैसे भी इसका डो थोड़ा कड़क ही होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी और डालेंगे। इसे आप कम से कम महीनों तक इसे खाया जा सकता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। हमारा डो लगकर तैयार हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम छोटी सी लोई तोड़ेंगे। ये देखिए कड़ा की आटा है, बिल्कुल ढीला नहीं है, इसलिए इसका कड़ा की आटा लगेगा। इसको इस तरीके से चपटा करेंगे, इस तरीके से दबा देंगे ऐसे डिजाइन बनाने के लिए। ये हम लेंगे और इसमें इस तरीके से अच्छे से प्रेस करेंगे इसको। ये देखिए डिजाइन कितनी अच्छी लग रही है। और बनाएंगे, ये देखिए इसे लंबा करेंगे, हम इसको लंबा वाला बना रहे हैं। ये फोक लेंगे और इससे इस ऐसे कर देंगे इसको। और ऐसे डिजाइन बना देंगे। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचा से बना सकते हैं। देखिए अच्छी डिजाइन बन गई है। सबके पास सांचा नहीं होता है, इससे मैं इस तरीके से बता रही हूँ। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचे से बना सकते हैं। ये हमारे ठेकुए बन करके तैयार हैं, चलिए हम तलना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने ठेकुए डालेंगे। ज़्यादा गर्म हमें तेल नहीं चाहिए। ये हम इसे पलटाएंगे, पलट पलट करके सबको अच्छे से पका लेंगे धीमी आंच में, आंच को तेज नहीं करेंगे। ये देखिए ये हमारे पूरे ठेकुए पक करके तैयार हो गए हैं, अब हम इसे एक बर्तन पे निकाल लेंगे। ये हमारे ठेकुए बन करके तैयार है, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीनों तक खा सकते हैं।